मैकेनिक भाइयों, ये है बजाज पल्सर 220F BS6 FI वाली वेरिएंट है। मैंने इसके फ्यूल टैंक को ओपन करके रखा है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को एक ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताने वाला हूं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जी हाँ, काफ़ी ऐसे मैकेनिक भाइयों के पास डेली लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम लेकर आते हैं इस तरह से हेवी सीसी की गाड़ियाँ कि इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है। तो अगर देखें तो यहाँ पे आपको ECM इसका इनबिल्ड देखने को मिल रहा होगा, और इस जगह पे अगर आप देखें तो इस गाड़ी में थ्रोटल बॉडी लगा हुआ है, और हेड में अगर देखें तो आपको एक बेजिंग लिखा हुआ देखने को मिलेगा BS6। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब भी आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम लेकर आती है गाड़ी कि इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, और अगर फ्रंट में देखें तो यहाँ पे आपको इसका जो है ऑयल कूलर इसका लगा हुआ है, रेडिएटर समझ सकते हैं ये जो इसके अंदर असेंबल है, उसके बाद भी हमारी गाड़ी का इंजन क्यों हीट होता है और कंपनी क्या कहती है जब भी इंजन ज़्यादा हीट हो रहा हो तो कैसे कैसे स्टेप को यूज करना और इसके प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकालना है, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। वीडियो में थोड़ा सा समय दीजिए, एंड तक बने रहिए। एक एक स्टेप बताएंगे, PDF के साथ बताएंगे कि क्या क्या ऐसा स्टेप यूज करना है जब भी आपके पास इस तरह से हेवी सीसी की गाड़ियाँ इंजन हीटिंग के प्रॉब्लम को लेकर आती है, क्या ऐसा स्टेप है जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है इसके हीटिंग प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मैकेनिक टीवी की इस एप्लीकेशन को हर छोटे से बड़े सभी मैकेनिक भाइयों तक पहुँचा दीजिए। चलिए आपको बताते हैं मेन इंजन हीट होने का क्या है प्रॉब्लम। कंपनी कहती है कि जब भी हीटिंग के प्रॉब्लम को लेकर बाइक आए तो सबसे पहले गाड़ी को सेंटर स्टैंड पे ले लेना है, उसके बाद इसके ब्रेक के फ्री प्ले को और चेन के फ्री प्ले को चेक करना है कि ये दोनों सही है या नहीं। तो इस तरह से चेन की आपको टेस्टिंग करना है और ब्रेक का फ्री प्ले चेक करने के बाद ये देखना है कि व्हील के अंदर गति है या नहीं, अच्छे से ये घूमना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जब घुमाते हैं तो ये अचानक से स्टॉप नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एक यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब भी इसका चेन का प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट नहीं किया जाता। देखें काफ़ी ज़्यादा टाइट है ये चेन, और अगर ब्रेक की फ्री प्ले की बात किया जाए तो अगर यहाँ पर देखें तो ये इसका प्लेट भी काफ़ी ज़्यादा घिस रहा है। तो ये चीज़ कंपनी कहती है कि जब भी आपके पास आए तो ये ब्रेक का फ्री प्ले आप चेक करें और इसके चेन के फ्री प्ले को चेक करें, उसके बाद इसके टेस्टिंग प्रोसेस को आप आगे बढ़ाएं। अब कंपनी खुद कहती है कि इसके टेस्टिंग को आपको आगे बढ़ाना है और इसके इंजन ऑयल को लेकर तीन चीज़ों को आपको खास चेक करना है। एक तो इसकी क्वालिटी कैसी है इंजन ऑयल की, और दूसरा कि इसका कौन सा ग्रेड का इंजन ऑयल डला हुआ है, और तीसरा ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर चेक करना है कि इंजन ऑयल का लिमिट कितना है, जो प्रॉपर लिमिट होना चाहिए उससे कम तो नहीं है, और उस हिसाब से इसको इंजन ऑयल इसके अंदर जो है फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसके इस बोल्ट को ओपन करके वो सारे चीज़ें टेस्टिंग करता हूँ, फिर देन इसके हम रेडिएटर के पास जाएंगे, उसके पाइपलाइन के कनेक्शन को चेक करेंगे कि कैसे कैसे इसका जो है इंजन ऑयल इसके रेडिएटर में जाके फिर से सर्कुलेट होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। पहले हम इसके इंजन ऑयल को ड्रेन कर लेते हैं और तीन चीज़ें चेक करेंगे, अगर कम होगा लिमिट तो फिर क्या चेक करना है वो मैं बताऊँगा। सारा का सारा इंजन ऑयल मैंने निकाल लिया है, लिमिट इसके अंदर काफ़ी बेटर है, जो कंपनी रिकमेंडेड लिमिट होता है वो इसके अंदर देखने को मिला, इंजन ऑयल कम नहीं है। अगर कम हो रहा हो तो उस हिसाब में कंपनी रिकमेंडेड कहा जाता है कि आप इसके ऑयल सील को चेक करें, हेड के साइड के इसके गैस्केट को चेक करें, टाइफिट के कवर को चेक करें, कहीं से भी आपको लीकेज नहीं देखने को मिलना चाहिए। अगर लीकेज हो रहा हो तो उस कंडीशन में आपको उस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर इंजन ऑयल पूरी तरह से फुल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लीकेज की कहीं से समस्या है तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंजन हीटिंग को लेकर, क्योंकि सारा इंजन ऑयल उधर से ही निकल जाता है। अब चलिए इसके अंदर नया इंजन ऑयल हम ऐड करते हैं और रेडिएटर की टेस्टिंग करते हैं कि वो जो ऑयल कूलर सिस्टम लगा हुआ वो कहीं से लीक तो नहीं कर रहा, उसके पाइपलाइन बीच से ब्लॉक तो नहीं। उधर कहीं से अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दिखता है तो फिर आपको इसका ऑयल कूलर को ओपन करना पड़ेगा और इसके पाइपलाइन की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कहीं से पाइपलाइन ब्लॉक तो नहीं हो गया। तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं और आपको सटीक इसकी जो है टेस्टिंग बताते हैं किस तरह से इसे टेस्ट किया जाता है, हाई एयर प्रेशर या फिर वाटर प्रेशर की मदद से, और इसके सारे इस बोल्ट की भी टेस्टिंग करेंगे, कहीं से ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम रेडिएटर इसके जो कंप्लीट लगा हुआ है ऑयल कूलर उसे निकाल लेते हैं।
दो बोल्ट लगे होते हैं, एक इसका इनटेक और इधर से जो कूलिंग के लिए जाता है एक पाइप, और उधर से कूल होके जो दूसरा पाइपलाइन में इसका आता है। इसकी वर्किंग को भी समझाएंगे कैसे कैसे ये काम करता है, बट सबसे पहले इसे हम ओपन कर लेते हैं पहले अच्छे से। इसके रेडिएटर के जो कंप्लीट पाइपलाइन थे उसके वो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेंसर लगा हुआ है और इसके जो कंप्लीट बोल्ट लगे हुए हैं वो सारी चीज़ों ओपन करके और इसके इस चीज़ को बाहर निकालते हैं, और फिर आपको टेस्टिंग का सारा प्रोसेस बताते हैं कैसे कैसे इसके अंदर जो है इंजन ऑयल सर्कुलेट करता है, और क्या इस चीज़ को ओपन करके इसकी क्लीनिंग करने से 100% सोल्यूशन मिलेगा या नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अभी वीडियो एंड नहीं हुई, अभी मैं इसके तीसरे स्टेप पे हूँ। कंपनी इसके 5 स्टेप को चेक करने को कहती है, वो 2 स्टेप अभी कवर करके आपको बताऊँगा कि वो 2 इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है। इसके ऑयल कूलर को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे 2 13 नंबर के जो बोल्ट हैं उसे भी निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक सेंसर कनेक्ट है, इसको मैंने लूज कर लिया है। इस सेंसर को ओपन करेंगे और ये 2 8 mm के बोल्ट और ऊपर ये जो फाइबर आइटम लगा हुआ है ये सारी चीज़ें ओपन करना पड़ता है जब जाके ये निकलता है। तो क्यों ना इसे हम बाहर ले लेते हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ सीखने को मिल सके। पहले मैं ये यहाँ से इसके पाइपलाइन को डिसकनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए एक ग्राउंड होता है यहाँ पे टाइट, इसे भी मैंने ओपन कर लिया, और हर जगह पे पीतल के तांबे के वॉशर जो हैं वो खास ध्यान देना है। अभी इसके देखिए यहाँ पे ऑयल जो है, पता क्या चला कि सर्कुलेशन इसका एकदम सटीक है, ऑयल सर्कुलेट हो रहा है। मैंने इसकी जो ओपन करने का मेन सटीक जो मेरा रीज़न था ये देखना था कि कहीं बीच में से इसका जो है पाइपलाइन वो ख़राब तो नहीं है, डस्ट पार्टिकल फंसे तो नहीं, ये कहीं से ब्लॉक तो नहीं कर गया। बट अगर आप देखें तो ऊपर तक ऑयल आ रहा है, यानी इसका सर्कुलेशन सही है, बट ये इसका इनटेक सिस्टम है। आप चलिए इसके रेडिएटर को बाहर निकालते हैं और टेस्टिंग को अच्छे से जाँचते हैं। मैंने इसके ऑयल कूलर सिस्टम को बाहर ले लिया है। अब इसके अंदर से जो मेन टेस्टिंग करनी है कि ये जो बीच का लाइन कनेक्शन है वो क्लियर है या नहीं, तो उस चीज़ को जांच करने के लिए आपको इसके वर्किंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो देखें एकदम काफ़ी नॉर्मल है, इसके अंदर से 2 पाइपलाइन कनेक्शन है, एक तरफ से इसका इंजन ऑयल आता है और यहाँ पे कूलिंग होने के बाद दूसरे तरफ से इसका जो है ऑयल फिर से इंजन ऑयल के इंजन के अंदर चला जाता है। अब ये तो पाइपलाइन आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पाइप है ये इसके इनटेक सिस्टम के लिए है। यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, ये देखें ये सेंसर, और इस साइड से इसके इस रेडिएटर ये जो ऑयल कूलर है इसके अंदर इंजन ऑयल जाता है और यहाँ से कूल होने के बाद इस साइड से चला आता है। अब बीच का ये सिस्टम चेक कर रहा है कि इस साइड से तो ऑयल आ रहा है परफेक्ट, बट यहाँ से कूल होने के बाद अंदर जाता है या बीच में से कहीं से प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर हमें एक पाइप कनेक्ट करना पड़ेगा। बट उससे पहले इसके अंदर जितना भी इंजन ऑयल है वो जो निकल रहा है इस सारी चीज़ों को हम निकाल लेते हैं बाहर, फिर इसके अंदर पाइप को लगा के कैसे फूंक मार के चेक करना है वो मैं बताता हूँ। इसके अंदर जितना भी इंजन ऑयल था वो निकल चुका है। अब इसी बाइक का एक पाइप इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और इस साइड से इसके अंदर फूक लगाएंगे तो इसका पाइपलाइन जो क्लियर है या नहीं वो इस साइड से आपको दिखेगा। थोड़ा सा टफ हो जाता है इस चीज़ को बताना, बट मैं समझ सकता हूँ कि आप अगर एक एक्सपर्ट मैकेनिक है, आपके पास रेगुलर इस तरह से बाइक पहुँचती है तो आपने काफ़ी समय इस चीज़ को उपयोग में लाया होगा और इसकी क्लीनिंग की होगी। अब देखिए यहाँ से मैं फूंक मारूँगा तो ये पाइपलाइन पता चलेगा कि रेडिएटर का बीच का जो पाइपलाइन है वो सही है या ख़राब। मैं यहाँ से फूंक मारता हूँ तो आपको इंजन ऑयल में जो हलचल देखने को मिलेगा, देखें पता क्या चल रहा है कि इसका जो सारा लाइन है वो एकदम क्लियर है एंड परफेक्ट है, इसका जो है ऑयल कूलर से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ से मैं फूंक मारता और फूंक परफेक्ट तरीके से नहीं पहुँचता, जब इसके डीजल या किरोसिन से हम जो वॉश करते हैं इसके अंदर के सारे सिस्टम को, बट ये क्लियर है, गाड़ी भी हमारी कुछ खास किलोमीटर चली हुई नहीं है। अभी फिर से एक बार देख लें, यानी ये जो रेडिएटर का जो कंप्लीट लाइन है
वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब इसके आगे का प्रोसेस जो कंपनी रिकमेंडेड बताया जाता है, चलिए आगे और बढ़ते हैं, इसको हम असेंबल करते हैं। इसके अंदर से प्रॉब्लम नहीं, इसकी वॉशिंग की भी आवश्यकता नहीं। जब इसके लेफ्ट हैंड साइड फिटिंग करें तो यहाँ पे एक ओरिंग लगा होता है, इसका खास ध्यान रखें। अगर ये निकल जाता है फिर भी आपको ये समस्या देखने को मिलेगा इंजन हीटिंग का। साथ ही इसके इस क्लच साइड पे एक तांबे का वॉशर होता है इंजन ऑयल को लीक ना होने के लिए यहाँ पे, तो ये भी फिटिंग के दौरान आप खास ध्यान रखें। इसके ऑयल कूलर वगैरह को परफेक्ट तरीके से फिटिंग कर दिए हैं। अब इसके अंदर 20W50 का वो इसके अंदर यूज करेंगे, BS6 कंप्लेंट का ये इंजन ऑयल है। पता नहीं पहले के इससे इसके अंदर कौन सा इंजन ऑयल ऐड था, बट अभी जो मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर जो कंपनी खुद कहती है 20W50 ग्रेड का, और इसके अंदर जो यूज होना चाहिए वो 1150 ml, तो इसके लिए 200 ml के अलग से मैंने बोतल यूज किया है। तो सबसे पहले मैं इसी को इसके अंदर डालता हूँ, 150 ml और 1 लीटर ये पूरा 1150 ml BS6, या फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम करता है इंजन, साउंड करता है, टाइफेट वगैरह साउंड करता है, तो आप 1200 ml भी ऐड कर सकते हैं। दोनों छोटे पैकेज को मैंने ऐड कर दिया। अब इसका ये जो बड़ा डब्बा है सर, DTSI कंपनी कहती है कि आप 10,000 किलोमीटर तक चला के इसे रिप्लेस करें, 10,000 से पहले रिप्लेस ना करें, सिर्फ टॉप अप करवाएं। ये सारे मैंने जो स्टेप यूज किया, अगर आप भी ये सारे स्टेप यूज करते हैं तो आपको 100% सोल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि ये सारे स्टेप यूज करने के बाद भी इंजन हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप इसके टाइफिट के ओर जा सकते हैं। चलिए आपको वो भी स्टेप बताते हैं, कैसे टाइफिट का एडजस्टमेंट करना चाहिए, कितना फ्री प्ले होना चाहिए, कौन सा फिलर गेज लगाएंगे, वो मैं भी बताते चलता हूँ। टाइफिट को एडजस्ट करने के लिए इसके इंटेक साइड के भी आपको टाइफिट कैप को ओपन करना पड़ेगा और एग्जस्ट साइड के भी टाइफिट कैप को ओपन करना पड़ेगा। और इसके लिए एक स्पेशल टूल आता है इस तरह से, इसके टाइफिट के लिए आप देख सकते हैं, यह काफ़ी हमारे बहुत सारे मैकेनिक भाइयों के पास होता है। मेन प्रॉब्लम होता है कि कितना mm इसके अंदर फ्री प्ले होना चाहिए, तो ये मैंने इसके ऑफिशियली बजाज के ये फिलर गेज को लाया है। अगर देखें तो प्लाटिना और NS200 का ये है, और इसके अंदर अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, 0.10 mm यहाँ पे, एग्जॉस्ट है 0.10 mm इसके अंदर लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पे यूनिवर्सल फिलर गेज यूज करने वाला हूँ। ये देखें इसके अंदर बेजिंग दिया, यहाँ पे अगर देखें लिखा हुआ है ये ऑल और ये भी ऑल, और दोनों देखें ये ऑल सभी गाड़ियों में काम करेगा, खुद कंपनी रिकमेंडेड ये टूल है। एग्जॉस्ट कितना है 0.07 mm और इनलेट साइड कितना है 0.05 mm। अब क्या करना है, इसकी मैंने एडजस्टमेंट जब की है या फिर इसकी टेस्टिंग करनी हो तो ये फिलर गेज को इसके इस टाइफिट वाले एरिया में ऐड करना है, और ये देखना है कि वाल्व क्लियरेंस सही है या नहीं, यानी ये जो फिलर गेज है वो इसके रोकर आर्म के बीच में जा रहा है कि नहीं। तो ये देखें ये परफेक्ट, अभी आपको फोकस करके दिखाते हैं, ये जो टाइफिट ब्लेड है वो इसके वाल्व के और इस रोकर आर्म के बीच में जो है प्रॉपर तरीके से जाके जो है लग जाता है, और आसानी से ये पता चलता है कि इसके अंदर जो टाइफिट का क्लियरेंस है वो परफेक्ट है। तो आपने देख लिया कि ये सारे स्टेप यूज करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको हेल्पफुल जानकारी मिली हो। वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हर छोटे से बड़े सभी मैकेनिक भाइयों तक पहुंचा दीजिए। अब इसके अंदर मैंने इसके इंजन हीटिंग को लेकर सारा काम कर दिया है, गाड़ी अब जो है हीटिंग का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए गाड़ी जब अभी जिस तरह से अभी गर्मी का सीज़न है तो हाई स्पीड में गाड़ी रन कीजिएगा तो हीट तो होगा, बट ज़्यादा हीट नहीं होगा ये सारे काम करने के बाद।